टू के जी का 1800 का है और क्या नाम है, 1 के जी का 900 का, 900 का है, 1 के जी 1100 का है, 1100 का होगा। क्या के जी मिलती है वो? 1400 रुपए किलो है। मिल जाती है, मिल जाती है, डार्क मिल जाती है, मिल जाती है, सही बोतल होती है। देखिए ओरिगानो है, ये ओरिगानो है, बेजल लिप्स, मीडियम है, लार्ज है, एक्सेल है, क्या प्राइस क्या जंबो है, सबके मुख्तलिफ है। ये 100 रुपीस का है। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल नादिया फैसल। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से हैं। जी जनाब, आज फिर से आपके खिदमत में एक और वीडियो के साथ आती हूं। जैसे कि आपको पता है भाई, रेगुलर बेसिस पे इंटरेस्टिंग सी वीडियो लेकर आती रहती हूं और आपको मैं बहुत अच्छी अच्छी सी वैरायटी दिखाती हूं। तो भाई आज कोई वैरायटी नहीं दिखाने वाली हूं मेरी बहनों, तैयार हो जाओ। आपको बहुत जबरदस्त सी मैं ना यहाँ पर ना जो बेकिंग की ना आइटम्स मिल रहे ना, तो मैंने सोचा कि वो भी दिखाया जाए। और मजे मजे सी चीजें और खाने बनाते हैं घर में, तो वही सब आपको ना यहाँ पर ना वैरायटी अवेलेबल मिलेगी और वो भी होलसेल प्राइस पे, काफी अच्छी प्राइस पे। तो चलते हैं भाई के जाने, वो तमाम डिटेल्स आपको देंगे, एड्रेस भी आपको बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। अच्छा, स्टार्ट में हमारे व्यूअर्स को यहाँ का एड्रेस बताइए। मेमन फाउंडेशन हमारी शॉप है, इरा के नाम से। ऑनलाइन करते हैं आप? जी जी। तो भाई ये मेमन फाउंडेशन है भाई, हुसैनाबाद पे जो फूड स्ट्रीट के बिल्कुल सामने ही गली में मेमन फाउंडेशन है, मेमन मस्जिद के बिल्कुल सामने है। तो सभी जानते हैं मेमन फाउंडेशन कहाँ है। उधर आप आएंगे तो हीरा के नाम से, हीरा के नाम से, हीरा के नाम से, हीरा बेकरी के नाम से है। और शॉप नंबर? शॉप नंबर थ्री है। और आपको ना बहुत अच्छी आपको यहाँ वैरायटी मिल जाएगी भाई, बेकिंग के ना आइटम्स की काफी अच्छी अच्छी ना आपको ना चीजें मिल जाएंगी जो आपको कहीं अवेलेबल नहीं मिलती है। तो फिर चलते हैं, ऑनलाइन भी करते हैं। ये आपको कॉन्टेक्ट नंबर एड्रेस डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो चलते हैं भाई के जाने, वो जानते हैं उनके पास क्या क्या मिलता है। तो आप हमें दिखाइए आपके पास क्या क्या मिल जाएगा बेकिंग का सामान में। चेडर और मोज़रेला, ये कितने कितने के बार है? दो दो के जी के बार है ये। अच्छा, कितने का मिल जाएगा? 1800 का चेडर, 2400 का मोज़रेला। अच्छा, के जी के हिसाब से, हाफ के जी के हिसाब से मिल जाता है। अच्छा, ये 2 के जी का 1800 का है और क्या नाम है, 1 के जी का 900 का, 900 का है 1 के जी का, ठीक हो गया हाफ। और ये क्या नाम है इसका, ये 2400 का 2 के जी, 1200 रुपए, 2400 का 2 के जी, 1200 का 1 केजी। और अगर कोई हाफ के जी चाहिए, आधा किलो का मिल जाता है और उससे भी कम भी मिल जाएगा। सही है। अच्छा जी, ये क्या है? 200 ग्राम का पैक है, ये 200 ग्राम का पैक है। अच्छा, ये एडम्स वालों का है, एडम्स वालों का भी है, रहमान डेयरी वालों का है, रहमान डेयरी वालों का, यंग्स वालों का है, मिल जाता है, डीज भी मिल जाता है, लेकिन इनके रेट्स अप है, अप होते हैं। सही, ठीक हो गया। तो भाई देखें, ये ना आपको चेस के इन्होंने प्राइस बता दिए हैं, ये इस तरीके से इनके क्या प्राइस होंगे। ये 180 का चेडर है, 240 का मोज़रेला, 180 का चेडर है, 240 का मोज़रेला है। ये कौन सी वाली कंपनी है? इसी कंपनी का, इसी कंपनी का। अच्छा सही है। अच्छा देखिए, ये चीज के प्राइस इन्होंने बता दिए है, अब आप ये चीज रख देते हैं। अब बाकी हमारे पास पिज्जा स्लाइस की चीज मिल जाएंगे आपके पास, स्लाइस चीज भी मिल जाएगी। ये पूरा पैक 1100 का, लूज में 250 रुपए के, 25 रुपए एक है। अच्छा, पूरा पैक 250 का है, पूरा पैक 1100 का, 1100 का है, जी के हिसाब से अगर आप लेती हैं तो 1100 का होगा। ठीक है, देख लीजिए भैया, आपको सिलाई चीज भी मिल रहे हैं आपको 1100 में। तो ये आपको कितने इसमें होंगे वैसे? 50 होंगे। देख लीजिए इस तरीके से आपको ये सिलाई चीज भी मिल जाएंगे। और हमें क्या मिल जाएगा बेकिंग में, हमें बताएंगे आप? ये देखिए लूज आइटम में ये आपको चॉकलेट, कोको पाउडर ये भी मिल जाएंगे। इनके क्या प्राइस होंगे इनके? ये 120 रुपए की 200 ग्राम, इसमें डार्क मिल्क व्हाइट तीनों मिल जाएगी। ये देखिए ये तरीके से व्हाइट है, तो ये 120 की 200 ग्राम, 200 ग्राम है ये सब, 200 ग्राम रखी हुई है। जी जी, ये डार्क है, ये भी 200 ग्राम डार्क कोने में रखी हुई सिर्फ। अच्छा, ये मिल्क है, सही। और ये डार्क है, ये वाली डार्क है। अच्छा देखिए, ये डार्क किस तरीके से, ये आपको 200 रुपए में मिल जाएगी ये चीज भी। अच्छा, कोको पाउडर, बेकिंग पाउडर वगैरह भी है, कोको पाउडर ही रखी, ये रहा कोको पाउडर, ये बेकिंग पाउडर है, 50 रुपीज का, ये बेकिंग पाउडर है ये इस तरीके से। और ये ज्यादा में भी मिल जाएगा, देखिए हाफ के जी का 750 रुपए का, ये हाफ के जी का है, ये कोको पाउडर हाफ के जी का आपको कितने का मिल जाएगा? 750 रुपए में मिल जाएगा, 1 पाव का मिल जाएगा, आधा पाव का मिल जाएगा। अच्छा, 1 पाव में भी मिल जाएगा इस तरीके से, ये रखे भाई, 1 पाव का, आधा पाव का, आधा पाव का है 200 का। अच्छा, ये आधा पाव का है 200 का, इस तरीके से और भी चीजें मिल जाएंगी। ये क्या है बताएं? ये चॉकलेट सॉस, स्ट्रॉबेरी सॉस वगैरह, ये स्ट्रॉबेरी सॉस है, ये चॉकलेट सॉस, इनके प्राइस क्या होंगे? 330। और ऊपर बताइएगा, ये सलमान के सॉस है, 500 का एक सॉस है। अच्छा सही, और आगे बताइए ये सब क्या है? रेडीमेड केक है। अच्छा जी, ये रेडीमेड केक भी मिल जाएंगे आपको, और इस बारे में बताइए क्या है? ये भी रेडीमेड केक है, ये भी रेडीमेड चॉकलेट है, ये चॉकलेट में है।
और ये चॉकलेट स्वीट्स हैं। अच्छा इसके बारे में बताइए, ये क्या रखे हुए भाई? चेरीज रखे हुए हैं। तो ये अगर आपके पास खुली भी मिल जाएंगी, लूज में मिल जाएगी, जैसे अगर कोई ज्यादा मिल जाए बल्क क्वांटिटी में, केजी में भी मिल जाएगी। क्या केजी मिलती है? वो 1400 रुपए किलो है। ठीक हो गया, चले फिर हम आगे जानते हैं और उसके क्या 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 मिल जाएगा हमें, और बताइए क्या क्या मिल जाएगा आपके पास। ये चॉकलेट स्वीट्स है, सही, ये अपना पाकिस्तान मेड है, पर अच्छा रिजल्ट है इसका, कोई कंप्लेंट नहीं है, बहुत अच्छा है, कम पैसों में अच्छी चीज है। अच्छा ठीक है, ये क्रीम्स है, ये 90 रुपीज का पर पीस है, अगर ये आप ये नॉर्मल ऑफर वगैरह का लेती है तो 160 का 180 का होता है। अच्छा, पर ये आपको 90 रुपीज का मिलता है, 90 रुपीज का मिला है। ये रेडीमेड केक मिक्स होते हैं, इसमें आपने खाली एग वगैरह मिलाना है तो केक आपका रेडी हो जाता है। ठीक हो गया, ठीक है। इसके अलावा बाकी पुडिंग्स हैं, पास्ता सॉस, चॉकलेट्स हैं, ये 1 केजी वाले हैं, 1 केजी वाली चॉकलेट्स हैं ये। इसमें शॉर्ट पैकिंग वाली चाहिए तो शॉर्ट पैकिंग वाली भी हमारे पास वाली मिल। अच्छा इसमें वाइट भी मिल जाती है, वाइट मिल जाती है, डार्क मिल जाती है, मिल्क मिल जाती है। सही सही, सारी सहूलत दी है उन्होंने, सिर्फ केजी में लेना, केजी में ले रहे हैं, हाफ में चाहिए हाफ पे भी ले लें, इन्होंने सारी सहूलत दी है। ये पिज्जा सॉस वगैरह रखे हैं, पिज्जा सॉस वगैरह भी मिल जाते हैं हमारे पास, सलमान का भी है, की ब्रांड का है, रोजमो का है, शंगरीला का है, सही, तकरीबन सारे ब्रांड होते हैं। होलसेल पे करते हैं ये, मार्केट से कम रेट होते हैं हमारे, अगर आप नॉर्मल मार्केट वगैरह से लेते हैं तो उससे काफी कम होते हैं। असल में हमारी मार्केट में यहाँ पे वैसे ही होता है डिस्काउंट पहले से, नहीं अच्छा, ये पूरी जगह अगर आप देखते हो तो डिस्काउंट के हिसाब से ही मिलती है, बाकी देखें इनकी शॉप पे काफी मिल जाते हैं, बेकिंग के आइटम्स भी मिल जाते हैं, बाकी बेकिंग की एसेसरीज वगैरह भी हमारे पास होती है, बेकिंग की एसेसरीज। अच्छा इसके बारे में बताइए, क्या लूज में होते हैं हमारे पास? मिक्स हर्ब, जो इटालियन हर्ब होता है, अच्छा, जिसके अंदर रोज मेरी, ओरिगानो सब होता है, ओरिगानो है, ये ओरिगानो है, थाइम्स हैं, ये थाइम्स हैं, ये ऑलिव ग्रूव्स में रखे हुए हैं पिज्जा की टॉपिंग के लिए, ये देखिए पिज्जा की टॉपिंग के लिए, ये ईस्ट वगैरह होते हैं जो हम मैदे वगैरह में डालते हैं, और ये लूज में नोजल्स हैं, नोजल्स किस तरीके से दे रही है? 100 रुपीज का पर पीस होता है, उसमें 5-6 वेरिएंट होते हैं। अच्छा, इसके अलावा फ्लावर स्टैंड होता है, लोग इसको फ्लावर बनाने के लिए यूज किया जाता है, जबरदस्त। ठीक हो गया, अच्छा ये बताइए ये क्या क्या रखे हुए इसमें? सारे तकरीबन आपको हर्ब्स मिल जाएंगे, व्हाइट पेपर है, बेसिल है, पार्सले है, ओरिगानो है, क्या प्राइस होंगी? ये 120 रुपए का पर पीस होता है, 120 का पर पीस होता है। कुछ पीस दिखा दिया हमें जरा शो कराए, ये देखें ये मिक्सर है, ये बड़ी बोतल होती है, देखिए ये ओरिगानो है, ये ओरिगानो है, बेसिल लिप्स, ये व्हाइट पेपर, ये व्हाइट पेपर से इस तरीके से देखिए बोटल्स होती है सारी। ये चीज आपको यहाँ पे लूज में भी मिल जाती है, ये चीजें लूज में भी मिल जाती है, अगर कोई शीशी नहीं बाय करना चाहता तो लूज में ले ले। लूज के प्राइस क्या होंगे? लूज में 10 रुपीज का साशे है। तो ये आपको ये चीजें यहाँ पर मिल रही है, बाकी क्रीम्स वगैरह भी मिल जाएंगी, क्रीम वगैरह भी हमारे पास लूज में मिल जाती है, स्वीट भी होती है, अनस्वीटेड भी होती है। कुछ दिखाएंगे हमें शौक है, क्रीम का पीस दिखाओ 60 रुपए वाले। ये क्रीम के बताइए मुझे, ये बीपी भी वालों की है, ये हाफ केजी 350 की है, 1 केजी 520 की है, 520 की है, ये हाफ केजी 350। अगर आप मार्केट से भी इम्तियाज वगैरह से पता करोगे तो 580 का 600 का सेल होता है, जी इतना फर्क होता है। और ये बटर 100 रुपीज का होता है ये, लेकिन अनसोल्टेड होता है, अनसोल्टेड होता है, कुकिंग में बेकिंग में इस्तेमाल होता है, कुकिंग में बेकिंग में इस्तेमाल होता है। ठीक हो गया, ये लूज में आ जाती है, अगर आप भी आ जाती है ये डिजर्ट वगैरह के लिए, आइसक्रीम वगैरह के लिए लूज में होती है। बिल्कुल, क्या प्राइस? 250 का पर केजी है, 250 का पर केजी है, बहुत जबरदस्त। ये देख लीजिए इस तरीके से आपको ये किटिंग भी यहाँ पे मिल जाती है अवेलेबल, काफी अच्छी प्राइस में ना आपको यहाँ पर सब चीजें मिल जाती हैं। तो बेकिंग के, अच्छा बेकिंग के ना नोजल्स वगैरह और बेकिंग के ना सारे इंस्ट्रूमेंट वगैरह, पिज्जा की प्लेट्स वगैरह सब हमारे पास रखी है, पिज्जा की सारी पिज्जा की प्लेट्स हैं, इसमें स्मॉल है, रेगुलर है, मीडियम है, लार्ज है, एक्सेल है, जंबो है, सबके मुख्तलिफ है। ये 100 रुपीज का है, फिर 120 केक के लिए। अच्छा तो ये केक के होते हैं, ये पेन होते हैं सारे, केक में राउंड होता है, स्क्वायर होता है, हार्ड होता है, मुझे इनके, ये 80 का है, ये 100 का है, ये 120, ये 120 का है, ये सबसे बड़ा साइज जी, 3 पाउंड होता है। अच्छा और चकोर स्किन की प्राइस अलग होंगे? सेम रेट होते हैं, सेम रेट होते हैं, हाथ में ले ले, हाथ में भी सेम रेट ले ले, हाथ में सेम होते हैं। इसके अलावा ये पिज्जा की प्लेट हमारे पास नॉन स्टिक में, नॉन स्टिक में भी मिल जाती है, केक की भी नॉन स्टिक में भी हमारे पास नॉन स्टिक में मिल जाती है। इनकी प्राइस क्या होंगी? इसका तकरीबन 1100 का सेट होता है 3 पीस का, 1100 का होता है 3 पीस का, ये देख लीजिए और काफी हैवी गेज पे भाई। अच्छा पिज्जा प्लेट्स की भी 3 पीस की होती है, पिज्जा पीस भी 1100 का 3 पीस, 1100 के 3 पीस, 1100 की 3 पीस हो जाती है। टर्न टेबल होती है जो डेकोरेटिव जी, बिल्कुल। क्या प्राइस इनकी? ये 350 का, 350 की है। अच्छा पिज्जा ये कपकेक की है, ये भी नॉन स्टिक है, इसमें नॉर्मल मटेरियल में ही मिल जाती है, जबरदस्त। 350 का है, इसमें अगर आप इस मटेरियल में लेती है तो 140 का है। ठीक हो गया, और ये लाजानिया वगैरह के लिए, ब्रेड पैन वगैरह के लिए इस्तेमाल होता है ये। क्या प्राइस इनकी? इसमें भी 3 साइज है ना, 300, 350 और 400। ओके अच्छा ये बताइए मुझे इनके बारे में,
ठीक है ना। तो ये तो इसकी प्राइस बताइए मुझे, इसके सारे मुख्तलिफ रेट्स। अच्छा, सबके मुख्तलिफ है। ये कुकीज कटर की नहीं है, 200 का सेट। अच्छा, ये इसको 250 का है, 250 का है, ठीक है ना। चाहिए इन सबकी प्राइस यानी मुख्तलिफ है। अच्छा, देखेंगे इनके ना के नाम बोर्ड है, इसका पूरा नाम वगैरह जो भी चीजें हैं इस पे लिखी हुई है, सारा नंबर वगैरह सब लिखा हुआ है, सब कुछ लिखा हुआ है जी। जनाब, तो देखा जैसे मैंने आपको बैकिंग की शॉप का आज का विजिट कराया है, बहुत जबरदस्त यहाँ प्राइस मिलते हैं। इससे पहले भी मैंने विजिट करा था, बहुत अच्छी आपको ये वीडियो बहुत ज्यादा पसंद आई थी, काफी कमी आई थी। उसके बाद मैं आप 7 मंथ बाद इनकी शॉप का ना विजिट कर रही हूँ। तो चले फिर हम वीडियो का एंड करते हैं, और आप ना ऑनलाइन बाय भी कर सकते हैं। मैं आपको इनका विजिटिंग कार्ड शो करा देती हूँ, देख लीजिए इनका विजिटिंग कार्ड है, इसका एड्रेस और कॉन्टेक्ट नंबर दोनों मैंशन है। और यहाँ पर आपको बहुत अच्छी वरायटी मिल जाती है। अपनी बहन को दीजिए इजाजत, नेक्स्ट वीडियो में फिर से मैं हाजिर होंगी एक और वीडियो के साथ। तो चलते हैं हम वीडियो का एंड करते हैं। आप अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा तो जल्दी से करें चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट एंड शेयर, और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूला करें, ताकि हर न्यू आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। जल्दी ही एक नई वीडियो के साथ हाजिर होंगी, जब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। अल्लाह हाफिज़।